मेरी फैमिली कैसे हैं आप लोग। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मतलब मैं जयपुर से वापसी घर आ चुका हूं और माशाल्लाह से मेरी जयपुर वाली वीडियो पे गाइस 3-3 मिलियन व्यूज आए। तो खैर गाइस व्यू आए 200 या आए 2 मिलियन, हमें तो अपनी मेहनत में लगा रहना है। गया था जाफराबाद नाश्ता लेने के लिए। बोलो भाई, अभी चल रही है तैयारी एक अगले टूर की। यहाँ पर आ गई बिल्ली हमारी, उड़ गई आप सो के। तो गाइस सुबह के अभी 11 बज रहे हैं, चलते हैं करते हैं नाश्ता, है ना, नाश्ता करेंगे नानी मेरी जान। तो भाई 2 दिन में यहाँ पे नहीं था तो हमें आनिया ने ना बहुत ज्यादा मिस करा। मेरे पापा कहाँ गए, बार बार फातिमा से ही पूछती थी वो। ये देखो चोंच देखो कैसे हिल रही है इसकी बंदरिया की। ये देखो नई हरकतें इस बच्ची की कैसे बहुत ही प्यारी है यार, ये बहुत ही प्यारी। ये देखो तो गाइस बहुत दिनों के बाद आपका भाई आज नाश्ता करेगा यहाँ पे पूरी, और उसके साथ है यहाँ पे आलू की सब्जी, और ये रही बढ़िया बढ़िया गरम गरम चाय। गाइस जयपुर से वापसी आते हुए ना एक पंगा हो गया था रास्ते में हमारे हेलमेट के अंदर, ये जो लीड थी ना ये देखिए इसके अंदर लगा हुआ था यहाँ पे, तो ये गया रास्ते में आते हुए टूट। अभी चलेंगे चांदनी चौक, इसको लेकर आएंगे वरना हमारी मोटर व्लॉगिंग के अंदर आपको है ना आवाज़ सही से सुनने को नहीं मिलेगी इसके बगैर। तो गाइस सबसे पहले ना बाइक को निकालते हैं बाहर, बहुत ज़्यादा हो रही है गंदी। इसकी टंकी पे करवानी है लेमिनेशन क्योंकि काफ़ी स्क्रैच आ गए, देखो ये रहे छोटे छोटे से स्क्रैच आ गए, लेमिनेशन करवाएंगे इसे साफ सुथरी करवा के करेंगे कल निकलने के लिए इसको रेडी। आनिया जा रही है डैडी के साथ बाइक पे घूमी घूमी करने, जाओगी आनिया? चलो आ जाओ। तो गाइज मैं आ चुका हूँ बाबरपुर और मेरी है ना इस वाली शॉप के अंदर बाइक के अंदर चल रहा काम, चलते अंदर दिखाते हैं आपको बाइक। गाइस टेपिंग का काम शुरू हो चुका है हमारी गाड़ी के अंदर, टंकी भी कराएंगे क्योंकि इस पर स्क्रैच आ रही थी, और बाकी ये साइड के पैनल भी पूरा काम हो जाएगा गाड़ी के अंदर। यहाँ पे हमने ना मैप देखने के लिए ये वाला स्टैंड लिया है, मगर अभी देखते हैं कौन सा लगवाते हैं। ये चार्जिंग वाला है तो यार, ये चार्जिंग वाला इसके कनेक्शन कहाँ पे होंगे? बैटरी से होते हैं इसके। ये पकड़ो, अच्छा ये तार जो ये बैटरी में जोड़ दोगे और मैं इसमें डाटा केबल लगा के फोन में लग जाएगी। तो कुछ गारंटी वगैरह भी है इसकी? नहीं कुछ नहीं आती, मतलब बिना गारंटी के तो कुछ चल जाता होगा, या मतलब ये है आज लगवाओ कल खराब? बड़े चलता है। तो गाइस ये लग जाएगा यहाँ पे मैप देखने के लिए। उस्ताद जी काम तुमने दिल से करा भाई साहब, दिल खुश कर दिया तुमने टंकी पे यार। तो गाइस ये देखो टंकी ने इन्होंने कितनी बढ़िया कर दी यार, बीच में से ये वाइट टेपिंग लगा दी यहाँ पे, ऊपर से ब्लैक बॉर्डर दे दिया और ये वाला हिस्सा भी वाइट कर दिया। अब इस पे लेमिनेशन चढ़ेगी पूरी, तो ये फाइनली हमारी लेमिनेशन होने गाड़ी पे। तो गाइस देखो साइड वाला पैनल है ना कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है, और यहाँ पर है ना भैया की एक बुलेट आई है देखो ब्लैक कलर की, बुलेट 350 अच्छी लग रही है, नई लाए भी निकलवा के और लेमिनेशन करवाने के लिए आए हैं इस पर। अब आ रही है चमक निकल के अंदर से यार, मैं बहुत बढ़िया भाई। तो गाइस यहाँ पे अपनी लेमिनेशन कंप्लीट हो गई भाई, ये देखो टंकी कितनी प्यारी लग रही है यार तैयार हो गए। वाह भाई वाह, यहाँ पे ना अभी वायरिंग चेक हो रही है गाड़ी की क्योंकि हमें ना यहाँ पे स्टैंड लगवाना है। चाबी ऑन करूँ? ये देखो चाबी ऑन हो गई। इसमें ना चार्जिंग का पॉइंट तो दे रखा है, ये दे रखा बाइक के अंदर, मगर है ना ये जब से मैंने गाड़ी ली ना जब से बंद पड़ा है, तो अभी भाई करना जा रहे हैं उसे चालू। बाइक में हमारी स्टैंड भी लग गया, ये रहा बढ़िया हो गया अभी यार, और हमारा ये वाला पॉइंट भी चालू हो गया। और आहिर को गाड़ी बड़ी पसंद आ रही है भाई, आहिर आ गया यहाँ पे। कैसी लग रही है बाइक कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़ यार, एक आधा कमेंट कर दिया करो वीडियो के ऊपर, ज़रा सा दिल खुश हो जाता आपके भाई का, लग बड़ी प्यारी रही है सच में। है आहिर तो वो मेरी जान, आहिर कह रहा कुछ बात है जब भी तो जज्बात है, और वहाँ पे देखो बिल्ली हमारे साथ है, वो भाग गई। बढ़िया लग रही है भाई। तो गाइस जाफराबाद आ चुका हूँ मैं, और ये है ना माइक कनेक्टर यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा, अभी मुझे लग रहा है इसके लिए चांदनी चौक जाना पड़ेगा यार, यहाँ नहीं मिलने वाला ये। रास्ते में मिलेगा जाम, बच्चों की हो गई छुट्टी स्कूल की। कैसी लग रही है रैयान साहब बाइक? जबरदस्त लग रही है। तो गाइस बड़ी प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है यार एसी होने के बाद। तो गाइस ये माइक कनेक्टर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, अभी इसके लिए चांदनी चौक भाग रहा हूँ मैं, और मेरे साथ जा रहा है यहाँ पे आहिर,
चलो भाई ना गाइस, ये चांदनी चौक का जाम जो है ना ये बूढ़ा बना देगा आदमी को यार, देखो कितना जाम लगा हुआ है। गाइस फाइनली आ गए अपनी उसी वाली शॉप पे। मैं भाई साहब क्या देख रहा हूँ, बड़ी गौर से देख रहा हूँ यार। लो जी गाइस, अंकल जी चेक करके देख रहे हैं यहाँ पे। वैसे तो खैर ये सही होने वाला है नहीं, और ये कहीं पे मिल भी नहीं रहा यार। थका दिया तुम्हारी साइड हमने, इतनी दूर से आना पड़ गया मुझे। नहीं मिलता हमारे को, नहीं मिलता ना, नहीं मिलता। ये रिपेयर हो सकता है कैसे करोगे हैं? मैंने शायद हो जाए यार 5000 रुपये की आइटम है कम से कम रिपेयर हो जाती। नहीं गाइस महंगा 500 का भी नहीं है, होगा नहीं। अंकल जी मैंने देख लिया जुगाड़ लगा के। चलो खैर एक और निकाल दो यार, ये कभी फिर बाद में। हाँ तो गाइस आपके बारे में ना दो ले लेते हैं इनसे। अब ये मत कहना कि नहीं है मैं फिर नहीं आना, इतनी दूर से यार अब इतना जाम हो रहा है। तो गाइस आपकी बार एक नहीं, मैंने ना दो दो ले लिए यहाँ पे, एक है ना एक्स्ट्रा रख के लेके चलेंगे, क्या पता रास्ते में फिर। वैसे तो खैर अब होगा नहीं, खराबी आ रही है। हाँ यार दो ले लिए मैंने आपकी बार, सही करा ना। चलो है नाजुक आइटम यार ये बहुत, आपकी बार ध्यान से चलाएंगे। चलो तुम चलाओ स्कूटी यार। अबे भाई इस वाले रोड पे इतना, हाँ इधर ही जाना है। इस वाले रोड पे भी इतना जाम था जब हम आए थे, मगर अभी है ना खुल गया। और सामने बिल्कुल लाल किला, लाल किला देखो कितना बढ़िया सजा रखा है यार। पता नहीं आप लोगों को नज़र आ भी रही होगी लाइटिंग वगैरह, नहीं ये देखो पूरा सजा रखा है। यहाँ पे दशहरे का मेला लग रहा है, वीडियो बनाएंगे आगे किसी दिन यहाँ की भी। अबे यार गाइस दिल्ली के जाम में बड़े बुरे फंसे भाई, सच में यार बहुत बुरा जाम है। एक सवा घंटा हो गया इसी जाम में फंसे फंसे मुझे और आहिर को, थक गए पसीने छुट गए पसीने। गाइस अभी हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से पास है ना आप ही का घर है, बाड़े चलते हैं, थोड़ी देर बाड़े रुकते हैं जब तक ये जाम हट जाएगा, उसके बाद चलेंगे फिर घर। गाइस दिल्ली में जाम देखो सच में कितना बुरा हाल हो रहा है। उधर से बस सीधी आ रही है, एक बस वहाँ पे बीच में ऐसा करके खड़ी हुई है यूँ करके, पूरा जाम लगा हुआ है। भाई साहब लाइक कर देना भाई, पूरा जाम दिल्ली के अंदर इतना बुरा जाम मैंने कभी नहीं देखा यार। ओ भाई इधर भी सब जाम है, सब बिल्कुल दिल्ली पैक हो गई पैक। यहाँ बहुत जाम है यार, फिर से 2 घंटे हो गए। तो भाई जो भी ये रूट पे आना चाह रहे हैं ना वो ना आए, अबे अभी लोग तो कल ले लेगा कल तक तो ये जाम भी खुल जाएगा। यानी इस वैसे मैं इंडिया कम ही आता हूँ यार, क्योंकि जाम देख रहे हो आप, देखो नीचे भी जाम है ऊपर भी जाम। और आप ही का घर है ना बस यहीं पर, ये पास में वो जो बल्ब दिख रहा ना आपको जलता हुआ, वहाँ पे आप ही का बल्ब, आप ही का बल्ब नहीं आप ही का घर है वहाँ पे, बस हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे यार। और घर तो जा ही नहीं सकते, घर जाने के लिए देखो कितना तगड़ा जाम लगा हुआ, वो लगा हुआ कितना तगड़ा जाम है घर जाने के लिए, बहुत बुरा हाल है भाई बहुत बुरा। अपनी पूरी लाइफ का सबसे तगड़ा जाम देखा भाई आज मैंने, सच में मज़ा आ गया देख के। तो भाई कब खुलेगा जाम? मैं मारो आवाज़ आगे को यार, मैं मर गए यार। ऊपर भी जाम है आसमान में, और बताओ गाइस ऊपर भी जाम चल रहा है, नीचे भी जाम चल रहा है, दिल्ली में बहुत ही जाम चल रहा है, बड़ा बुरा हाल है भाई। क्या होगा हमारा, तब पहुँच पाएंगे घर अपने? हमारे तो बच्चे रो रहे हैं घर पे यार। तो गाइस दिल्ली के जाम को हमने तकरीबन अपनी ज़िंदगी के 2 घंटे दे दिए है ना आहिर। चलो सर दर्द हो गया भाई साहब, बड़ी मुश्किलों से जाम से निकल के पहुँचे यहाँ तक। मैंने कहा था भाई साहब फंस गए जाम में हमें लेने के चक्कर में। गाइस बड़ा हिंदुराव हम आए थे 8:30 है ना, और अभी 11 बजे ना, ये 11:30 बज गए, 6:30 निकले थे, 8:30 यहाँ पर आए, 8:30 यहाँ आए थे, और अब क्या बज रहे हैं? अब 11:30 बजे, 11:30 हो रहे हैं। तो गाइस अब जा रहे हैं, अब जाम खुला है, मैप पे अभी देखा है आहिर ने कि जाम सारा खुल चुका है, अब जा रहे हैं घर। और स्कूटी खड़ी है बहुत दूर, बहुत ही दूर भाई, अभी बहुत दूर पैदल जाना है। तो गाइस स्कूटी खड़ी करी थी हमने यहाँ पे इतनी दूर बाड़ा हिंदुराव में, और यहाँ पे है ना पूरा रोड टूटा पड़ा है यार। चलो भाई साहब कूदो पाइप के ऊपर से। मैं भाई आहिर तो ऐसा थक गया अब नहीं आने का मेरे साथ कभी भी जिंदगी में है ना। मैं गाइस आज से ज़्यादा तगड़ा जाम हमने नहीं देखा यार, आ जा भाई आहिर घर चलते हैं यार, थक गए सच में। अब तो तुम चला लोगे पूरे रास्ते, बैठूँ आराम से, मैं सो जाऊँगा आराम से पीछे। चलो भाई हेमलेट लगा लो हेमलेट। बताओ कभी इन रोडों पे जाम रहता था है भाई आहिर, और अब देखो कैसे खुल्लम खुल्ला पड़े हुए हैं बिल्कुल एकदम, अब नहीं मिलेगा जाम। और गाइस दिल्ली में भी है ना रात का मौसम बड़ा सुहाना सुहाना हो गया, सुहाना शबाना जुर्दाना हो गया, ठंड सी लग रही है बल्कि हल्की सी, मज़ा आ रहा है मगर।